हमारे दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं। आइए हम एक खेल खेलते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? अगर हम कहें, मैं एक संख्या दूंगी, आप उंगलियों से दिखाएंगे। 3। बच्चे हमें 3 दिखाएंगे। अगर कोई बच्चा गलत संख्या बताता है, तो हम दिखाएंगे, देखो 1, 2, 3। अगर बच्चे ने हमें 5 बताए, 1, 2, 3, ये 2 अधिक है, बराबर? इन्हें नीचे रखे, ये 3 है। इस तरह हमें सिखाना होगा। जब ये कक्षा में पढ़ाते हैं, तो बच्चे आनंद से सीखते हैं। इसके साथ ही न सिर्फ मौखिक रूप से कहें, हम बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। सिर्फ मौखिक न कहें, क्योंकि कभी कभार बच्चे समझते हैं जब हम 7 कहते हैं, वो समझते हैं, किंतु लिखा हुआ 7, वो लिखाई, जो अंक हमने लिखा है, ये सिर्फ एक लिखाई है, ये संख्या यानी संख्या 7 है, वो नहीं समझते। बिना कहे लिखिए, बोर्ड पे लिखिए। इसे देख के बच्चे गिन के इसे लिख सकते हैं। ये मूल्यांकन का एक तरीका है। शिक्षक इसे असरदार रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि क्या वो लिखना जानते हैं। अब मैं एक संख्या दूंगी, हमने ये पहले भी किया है, हम इसे फिर करेंगे। अब मैं कहूंगी 5, आप मुझे 5 दिखाएं, मुझे 5 वर्ग काउंटर दे। अब मैं क्या करूंगी, मैं इनकी कॉपी में लिखूंगी 5। फिर बच्चे समूह से 5 वर्ग काउंटर, उन्हें 5 वर्ग काउंटर निकालने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? उन्हें अपनी कॉपी में लिखने को कहें। वे किसी भी तरह दर्शा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। उन्हें 5 में रंग भरने दें। इन्होंने ठीक से लिखा और दर्शाया भी सही। अगर उन्होंने यहाँ कुछ ज्यादा दिखाए, तब आप जानेंगे कि उन्होंने गलती की। अब पहले मैंने 5 मौखिक कहा और फिर लिखा। बच्चे पहले से ही मौखिक गिनती जानते हैं, इसीलिए जब मैं 5 कहूँ तो वो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब मूल्यांकन करने के लिए एक और गतिविधि दूंगी। मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, पर बच्चों को कहूंगी कि मैं बोर्ड पर एक संख्या लिखूंगी और वो मुझे बताएंगे, वो मुझे पीले क्यूब्स से दिखाएंगे। मैं कुछ पीले क्यूब्स वितरित करूंगी समूह बना के, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं संख्या की घोषणा नहीं करूंगी, बच्चों को बोर्ड पर लिखा देखना है और वस्तुओं को रखना है खुद से। आइए देखें। कोई बच्चा इतने सारे क्यूब्स लेगा, ये संख्या है 8, पर हम जानते हैं कि बच्चा संख्या समझ नहीं पाया, वो नहीं जानता 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चे ने सोचा ये 6 है, मतलब हमें उनसे लिखवाना होगा 1 से 9 तक। अभी भी बच्चा इसे ठीक से नहीं समझा, इसीलिए बिना बच्चे को डांटे या धमकाए हमें उनसे बार बार लिखवाना होगा। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखें या मानचित्र बनाएं और उन्हें इसे रोज देखने दें, लिखने का अभ्यास करवाएं। उन्हें धैर्यपूर्वक सुधारें, कहें, देखो ये संख्या 8 है, आपको 8 पीले क्यूब्स रखने हैं, क्या आप कर सकते हैं? अब बच्चा करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्या ये सही उत्तर है? जी हाँ, बहुत अच्छे। इस तरीके से सिखाना है। अब ये ठोस चरण है, यानी देखें, अमूर्त चरण तो खत्म हो गई, अब ये है निरूपणात्मक चरण, अमूर्त चरण। संख्या 8 को लिखना सार है। बच्चों को 8 वर्ग बनाने का अवसर दें, 8 वर्ग और फिर उनमें रंग भरने दें।
अब संख्या मात्रा संबंधन या संख्याओं और मात्राओं के बीच के संबंध और इसकी विधियों पर चर्चा करेंगे। मैं बोर्ड पर संख्या लिखूंगी या इसकी घोषणा करूंगी। बच्चों को ठीक मात्रा में वस्तुएं उठानी होगी बोर्ड पर लिखी संख्या के संबंधित। आइए देखते हैं ये कैसा करेंगे। क्या आप मुझे एक संख्या देंगे? 5। ठीक है, मतलब मुझे बोर्ड पर 5 वर्ग काउंटर लगाने होंगे। मैंने नहीं गिने कितने, मेरे पास काफी है, ये ठीक है। मैं हर एक को एक एक करके यहाँ लगाऊंगी। मेरी मदद करो और बताओ कहाँ रुकना है। ठीक है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 इतने बस है ना? ये सही है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब कभी कभार शिक्षक छठवां लगाने की कोशिश करेंगे और बच्चे कहेंगे, नहीं नहीं काफी है, 5 हो चुके। उन्हें इसका अवसर दें। बच्चे बहुत खुश होंगे कि टीचर गलती करने वाली थी और उन्होंने उन्हें सही किया। अब हमने 5 वर्ग काउंटर को रखकर 5 को दर्शाया है ना? अब क्या होता है जब हम बिना बताए ही संख्या को बोर्ड पर लिखते हैं? क्या छात्र संख्या को पहचान सकते हैं जो हमने बोर्ड पे लिखा है? क्या वो इस संख्या से परिचित है? हम इससे जान पाएंगे। अब मैं इसकी घोषणा नहीं करूंगी, मैं सीधे ही बोर्ड पे लिखूंगी। मैं किसी बच्चे को यहाँ बुलाऊंगी, इनमें से कुछ वर्ग काउंटर उन्हें दूंगी। अब देखते हैं कि क्या वो इसे ठीक से लगा पाते हैं। अन्य बच्चे भी गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। यदि बच्चा संख्या 9 से परिचित न हो तो उत्तर गलत होता। लगाए गए वर्ग काउंटर की मात्रा अलग होती है ना? ये गलती होती। इस तरह जब शिक्षक इन वर्ग काउंटर को बोर्ड पे लगाते हैं और बच्चों को इस गतिविधि में शामिल करते हैं, तब अभ्यास बेहतर होता है। यहाँ एक पहलू पर ध्यान देना होगा। एक ही बोर्ड पर जब विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं, बच्चे भ्रमित होकर सबको इकट्ठा गिनेंगे। इसलिए हमें इन्हें अलग करना होगा। उन्हें बताना होगा कि ये दोनों समूह अलग है और फिर उनकी अलग अलग गिनती करें। फिर वो भ्रमित नहीं होंगे जब गिनती करेंगे।